पोलिंग पर्सनल फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस इन ग्रेजुएट्स एंड टीचर्स कंस्टिट्यूएंसीज। राज्य विधान परिषद निर्वाचन हेतु, स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हेतु मतदान कार्मिक। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस को ही मान्य किए जावे। लर्निंग आउटकम्स, इस एजुकेशनल वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह जान सकेंगे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट आरपी एक्ट 1951 के तहत किया जाता है। वो यह एक्सप्लेन कर सकेंगे कि किन अधिकारियों का अपॉइंटमेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर के रूप में हो सकता है। वो यह भी जान सकेंगे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट ऑर्डर किस तरह का होगा। पोलिंग पर्सनल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 26 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। ऐसे मामलों में जहां कोई परिषद निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है, उन जिलों के संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी जिनमें निर्वाचन क्षेत्र आता है अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पीठासीन और मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। मतदान कर्मियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तहत होना चाहिए। पीठासीन अधिकारी आमतौर पर तहसीलदार या डिप्टी तहसीलदार रैंक के होंगे। मतदान अधिकारियों को सामान्यतः अकाउंटेंट या सहायक के समकक्ष होना चाहिए। किसी जिले में मतदान ड्यूटी के लिए चयनित व्यक्तियों को उस जिले में स्थापित मतदान केंद्रों पर ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों से लिए गए मतदान कर्मियों का उचित मिश्रण होगा। मतदान कर्मियों की सूची की एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी को सौंपी जाएगी। जहां तक संभव हो, स्नातक या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी निर्वाचक को पीठासीन या मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। काउंसिल निर्वाचन क्षेत्रों में ईडीसी की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। यदि यह संभव नहीं है तो ऐसे निर्वाचक को उस मतदान केंद्र पर ड्यूटी पर तैनात करें जहां वह मतदान करने का हकदार है, ताकि वह उस मतदान केंद्र पर ही अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। पूरे जिले के लिए मतदान कर्मियों की रिजर्व सूची जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रखी जानी चाहिए, ताकि वह किसी अपरिहार्य परिस्थिति में किसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर के स्थान पर दूसरे अधिकारी की ड्यूटी लगा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी को आयोग के निर्देशानुसार मतदान दलों के गठन के संबंध में संबंधित सीईओ को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट ऑर्डर का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों के संबंध में मतदान कर्मियों की सूची रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाना चाहिए, लेकिन मतदान की दिनांक से 2 या 3 दिवस पूर्व नहीं। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को ऐसी सूची उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। इस एजुकेशन वीडियो में हमने समझा कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस में काउंसिल कंस्टिट्यूएंसीज के लिए मतदान कर्मियों की ड्यूटी किस तरह लगाई जानी है। यदि आपका कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।